नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम है सुपौल जिला में। सामने में जो शख्स को आप देख पा रहे हैं, कहते हैं संगीत जीवन का अंश है, संगीत के बिना जीवन एक प्रश्न है, लेकिन ये शख्स जो है संगीत में आग लगा दिया है। अब तक तो पवन सिंह, पावर स्टार, खेसारी जो है वो सब आग लगाते थे, लेकिन सुपौल जिला के लाल ने संगीत में आग लगा दिया। इनका कहना है, दो चार मजर खेल हम रोजो के खेलवा, गाना गाया जब से ट्रेंडिंग में गाना आ चुका है, अनेकों रील बन चुके हैं और इंस्टाग्राम रील बन चुके हैं, अनेकों कलाकार इस पर रोस्ट भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये गाना क्या गा दिया, क्या ऐसा आप गा दिए, कैसे हैं आप? सबसे पहले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 न्यूज के माध्यम से, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा अभी गाना रंगदारी का माहौल चल रहा है। मेरा गाना अभी आया हुआ है शिवानी सिंह के साथ में। गाना का ऐसा बोल है कि देखा के काटा खींच दुपाटा, डेरा न पैबा हार्ड, संग ही आपन लैले हव दस गो बॉडी गार्ड। लगी करी है कि देखा के काटा खींच दुपाटा, डेरा न पैबा हार्ड, संग ही आपन लैले हव दस गो बॉडी गार्ड। मेरा लेन है कि हम अले हई नाच देखे लेके गोरी बेल, हम अले हई नाच देखे लेके गोरी बेल, दू चार मर्डर कोइल हम रोजो के खेल। ऐसा लाइन है क्या? लगता नहीं अति हो गया है, मतलब नाच देखने के लिए बेल लेकर क्या आए हैं? ऐसा माहौल नहीं है नाच का। मान लीजिए कहीं पे प्रोग्राम होता है, कोई मान लीजिए जेल से आता है, आपको जेल से बागे आया गया प्रोग्राम देखने, तो वहाँ पे भीड़ लगता है, बंदूक चलता है, गमछी उड़ता है, हर चीज का माहौल वहाँ पे चेंज हो जाता है। उसी के माध्यम से मेरा गाना आया हुआ गाना है और बहुत जबरदस्त। मैंने पहले कहा कि संगीत जीवन का अंश है, इसके बिना जीवन एक प्रश्न है। आपका ये संगीत सुनकर के आने वाले लड़के जो है बंदूक लहराएंगे, दूसरा मजर करेंगे, तो क्या होगा हमारे देश में? देखिए, बंदूक नहीं लहराएंगे, कहे कि ये सब जो है पहले से चल रहा है। कि हमारे गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। किनसे प्रभावित होकर गाना आप गाएंगे? हम प्रभावित किसी से नहीं हुए हैं। किसी से नहीं हुए हैं। मेरा मैं मन था खुद की रंगदारी अच्छा गाना गाए और गाना अगला मुखड़ा क्या है गाना का? इसका मुखड़ा है, इसी में एक और है कि कुछ न बिगाड़ पाई पुलिस आया थाना, पतली कमर देख भईनी दीवाना। लड़की कहती है कि भैला जे दीवाना, तो कराब हम के यस, पिस्टल के जगह पर धरवाब हम के कैश। फिर मेरा लाइन है कि बोल कितना लाख में करवे ते जवनिया के सेल, बोल कितना लाख में करवे ते जवनिया के सेल, दू चार मर्डर कोइल हम रोजो के खेल, हाय दू चार मर्डर कोइल हम रोजो के खेल। क्या मन में विचार आया जो आपने ऐसा गाना गा दिया, क्या मन में ऐसा आया? मन में विचार कुछ नहीं आया था, रंगदारी का भी पूरा माहौल चल रहा है, जितना भी बड़े बड़े स्टार है सब रंगदारी पे गाना गा रहे हैं, तो हम मेरा भी मन किया कि गाना रंगदारी पे गाना गाया जाए। और ये मेरा गाना वे म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे आया है। जो मेरे भाई गाना नहीं देखे जाके सर्च कीजिए, अपने भाई को प्यार। क्या लगता है मेहनत ज्यादा नहीं करे रातों रात चमक जाए, ऐसा मन है? बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब तक मेहनत नहीं कीजिए तब तक फल नहीं मिलेगा। बट ये है मेरा ये जो गाना है दो चार मर्डर अभी खूब ज्यादा चल रहा है, इसके बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर बताइए, 2 साल सब गाना गा रहे हैं, लेकिन यहाँ 10 साल से जो गाता वो भी ट्रेंडिंग में नहीं आते, उसके पास मीडिया पहुंचते, आपके पास मीडिया का लाइन लग गया, बताइए। मेरा इससे पहले भी गाना आया हुआ था, पहले भी आया था, इससे पहले मेरा एक मगही गाना आया हुआ था, गाना का मेरे साथ में सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका जी गाई हुई थी। गाना कैसा बोलता लड़की कह रही है, मान लीजिए कोई लड़की किसी से बात करता है तो बोलता है कि हमको अगर बात तो करता है, बोलता है आईफोन खरीद के दीजिएगा तो वीडियो कॉल में बात करेंगे। लाइन ऐसा है कि कोके वीडियो कॉल बती बहरा दिन रे, कि कोके वीडियो कॉल बती बहरा दिन रे, हेरे छोड़ा जदी आई फोनवा दे भी कीन रे। मेरा लाइन है कि सोना वागे गिन के हमरा चुम्मा दमही तीन गे, तो लोनवा लेके तोरा आई फोनवा दे बहु कीन गे। ये भी गाना मेरा बहुत अच्छा चला। क्या बात, अब तक में कितने मीडिया को इंटरव्यू दे चुके हैं आप? अभी तो ढेर सारा मीडिया, आज मतलब 10-12 को आ चुका है। शुरुआत में जो गाना गाते थे मीडिया लोग आते थे? शुरुआत में जो इससे पहले मेरा गाना जो ये लोग आया था, जो अभी गाए इससे पहले कोई मीडिया नहीं आया, कोई नहीं आया था, नहीं, दो चार मर्डर जो गाना मेरा आया है इसके बाद लगातार मीडिया वाले का आना जाना लग रहा है। अरे संगीत में ऐसा आग क्यों लगा दी आपसे कहिए? आग नहीं लगाए हैं, देखिए सबसे मेन बात होता है कि आपका मैटर क्या है, आपकी आवाज में दम है या क्या है, पब्लिक किसको पसंद करता है, कब किसको पसंद करने लगेगा पब्लिक पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और अब तक में कितने गाना आप गा चुके हैं? इससे पहले मैं ज्यादा गाना नहीं है, मात्र 3-4 गाना है बस, मात्र 3-4 गाना। आप सोच सकते हैं लोग यहाँ दर्जनों गाना लगा गा देते हैं, सैकड़ों गा देते हैं फिर भी नहीं चमकते, लेकिन भाई साहब ने इतना मर्डर कर दिया कि संगीत में आग लगा दिया और मीडिया का लेन लग गया जी। का जो 2-4 मीटर का जो अंतरा है, सेकंड अंतरा उसका ऐसा है
कि चाचा जी विधायक पापा जी जमींदार हो, एकलौता बेटा उनकर हो ही रंगदार हो। लड़की कह रही शिवानी सिंह कि सकल सूरत से लागे ल तू बड़ का नवाब, हमरो के कहे ला लैका लेकिन ला जवाब। फिर मिला लेने कि एके सिंह रंजन आनंद निकाल दीही तेल, एके सिंह रंजन आनंद निकाल दीही तेल, दू चार मर्डर कोइल हमरो जो के खेल। इसके बाद मेरा एक और गाना आने वाला है, यादव जी एल्बम का नाम है, यादव जी के बेटा है हम। वो गाना का ऑडियो रिलीज हो गया, वीडियो आने वाला है। गाना कब तक आएगा वीडियो? वीडियो कल या परसों आ जाएगा। क्या मुखरा गाना का जो ऐसा है, लड़की बोल रही है कि बोला ये बाबू तू पावर घटा के, ढोरी से हमरा दू नलिया हटा के, दे देव ऑर्डर हो जाई मर्डर, यारे नहीं हमर केहू से कम। मेरा लाइन है कि हमरा ल खिलौना ह गोली या बम, यादव जी के बेटा है हम। क्या बात है, इस गाना में भी जातिवाद छलक रही है, क्या कहेंगे हम? यादव से बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ। तो यादव का बढ़ावा देना मेरा, देखिए मानते हैं लेकिन बिहार के बाहर सब बिहारी है, बिहार आते ही सब बट जाते हैं, हम यादव है, हम चमार है, हम दूसरा हम पासवान, ऐसा क्यों? देखिए बिहार के बाद नहीं चलता, बिहार में इसीलिए चलता है कि मान लीजिए कोई गाना गाता है, कोई भी चीज करता है तो अपना कास्ट को लेकर ज्यादा अति करता है, इसीलिए हम भी अपना कास्ट गाना गाए हैं। कितना मेहनत कर पा रहे हैं अभी संगीत में? अभी मेहनत मेरा लगातार जारी है, मेहनत बहुत लगा। गाना का गाय मतलब गीतकार कौन होता है जो आप गाते हैं? हमारे जो गाने के राइटर हैं वो मैं मघी भोजपुरी गाना लिखता है, बहुत बड़े राइटर है आनंद प्रकाश जी। आनंद प्रकाश जी है, सिंगिंग भी करते हैं एक्टिंग भी करते हैं, ज्यादा क्या करने मजा लगता है, सिंगिंग या एक्टिंग? दोनों करने मजा आता है कि देखिए हमको सिंगिंग भी करना है और एक्टिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीज करने मुझे मजा आता है। अच्छा, मन में क्या ऐसा विचार आया कि इस तरह गाना लिखवाए आप गीतकार से, जो गाना लिखा ब्लास्ट कर गया? ये गाना जो है किसी दूसरे का गाना लिखा हुआ था, ये गाना हमको ऐसे भेजा गया था कि गाना एक बार देखिए अगर कैसा है नहीं, और ये गाना जो हम जहाँ प्यारिया भैया के पास रिकॉर्ड किए थे, गाना बोला कि ये गाना इतना अच्छा मीटर का आपको दिया कौन मीटर ये, और ये गाना ऐसा अभी चल रहा है कि राइटर अभी खुश है कि हमारा गाना इतना अच्छा चल रहा है। क्या राइटर भी खुश है जी, आप भी खुश है? हम खुश, पूरा खुश, और हमारे गाने पे जितने भी ब्लॉगर सब है जैसे कि गुड्डू ब्लॉग सर हो गए हैं, सभी इंस्टाग्राम पे भी रील बनाए, और मेरा गाना ये इंस्टाग्राम पर ट्रेंड भी करने वाला है। कितना रील बन चुका है लगभग गाना का? लगभग अभी 800-900 रील बन चुका है। क्या बात है, सोच सकते हैं 800-900 रील बन चुका है इस गाना का, और महोदय ज्यादा गाना भी नहीं गाए, मां दो चार गाना गाए हैं, आगे किस तरह गाना गाइए, जब चमक जाइएगा तो किस तरह गाना गाइएगा? रंगदारी का गाना आएगा लगातार लगातार आएगा, पर एक हिट हो गया लगता है सब हिट हो जाए नहीं। देखिए आप पब्लिक का प्यार है, पब्लिक चाहे तो डुबाए, पब्लिक चाहे तो गाए, वो सब पब्लिक पे निर्भर करता है। मतलब आप नहीं चाहते कि मेरे गाना से समाज में संदेश जाए ताकि? हाँ, संदेश तो देखिए हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रील के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जो आपको देखेंगे राह चलते हुए क्या कहेंगे, ये है दो चार मर्डर रोजे की खेलवा। ये बात सही है कि दो चार मर्डर वाला गाना सिंगर जा रहा है, तो पहले हमको देखने से पहले ऊपर भी देखना पड़ेगा ना कि इससे पहले गाना क्या क्या है, उसके बाद जो हम गाना गाए क्या गलत गाए हैं उसको देखना पड़ेगा। लोग अतीत को नहीं देखता, लोग वर्तमान को देखता है, क्या कहिए, उसको देखता है तो क्या करे, देखने दीजिए। चलिए दो चार को मुझे गाना जुगाया है, इसका जो है अंतिम अंतरा क्या सुनाइए जरा दर्शक को। सुना दिए थे ना कि ऐसा है कि चाचा जी विधायक पापा जी जमींदार हो, एकलौता बेटा उनकर हो ही रंगदार हो। लड़की कहती है कि सकल सूरत से लागे ल तू बड़ का नवाब, हमरो के कहे ला लैका लेकिन ला जवाब। मेरा लेने कि एके सिंह रंजन आनंद निकाल दीही तेल, एके सिंह रंजन आनंद निकाल दीही तेल, दू चार मर्डर कोइल हमरो जो के खेल, है दू चार मर्डर कोइल हमरो जो के खेल। क्या बात है, कहते हैं जो रियाज करेगा वही राज करेगा, कितना रियाज कर पाते हैं आप? अभी तो घर पे रहते रियाज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा अभी हम बिजी हैं, उसके बाद मेरा क्लास, उसके बाद जाएंगे तो रियाज। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरा बीए क्लियर है, बी आर्ट्स साइंस कॉमर्स। मेरा साइंस है, साइंस है, तो संगीत में शिक्षा दिशा कहाँ से लिया आप? नहीं, संगीत का अभी ट्रेनिंग थोड़ा हम क्लास किए थे पटना में। पटना में किए थे, क्या चीज क्लास किए थे? यही का रियाज का, रियाज किए थे, वहीं से आपको कुछ मिला सीखने के लिए? वहीं से सीखे हुए हैं, हल्का हल्का सीखे थे। और गाना संगीत में अपनी पहचान बनाते हुए संगीत का कोर्स करना चाहेंगे या ऐसे ही? संगीत का कोर्स करना है, संगीत का कोर्स करके आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आने वाले दिन में लोग जो रातोरा चमकने के लिए देवी देवताओं को भी ऊपर जो अभद्र गाना गाते हैं, असली गाते हैं, वैसा वो सब गाना मेरा नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा अलग लेवल का गाना आएगा मेरा, पक्का जी जी। रंगदारी वाला चलेगा फिलहाल? अभी रंगदारी आएगा और जो पब्लिक को पसंद आएगा, जो डिमांड रहेगा वैसा गाना आएगा। चलिए आपने कहा रंगदारी आएगा, मैं मानता हूँ रंगदारी आएगा, रंगदारी गाना सुन सुन के आदमी रंगदार बन जाएगा तो आपका जिम्मा तो आपके सर जाएगा।
देखिए रंगदार बनने रंगदार अब बन जाता है उस सबको क्या मतलब, देखिए हम रील में दिखाते हैं, मान लीजिए हमसे जो बड़े बड़े लोग हैं, हमसे जो बड़े बड़े स्टार हैं, उसको आप देखिए कि फिल्म में गोली मारता है, मतलब हर चीज करता है, तो उसको आप देखिए, उसके बाद हमको देखिए, ठीक हम गलत कर रहे हैं तो ठीक हम अगले साल, आपको नहीं लगता कि आप जो रील में दिखाते हैं लोग उसको रियल करने लग जाए, अगर हम रियल लग रहा है तो अगली बार से हम चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे, ये अच्छा लगा हमको सुन करके, हम चेंजिंग करेंगे, इसके बाद जो पब्लिक का डिमांड होगा, जो बोलेगा कि ऐसा ऐसा गाना गाइए वैसा गाना आएगा। इतिहास गवाह है, जितने भी सिंगर हुए हैं शुरुआती दौर में गाना अश्लील गा करके रंगदारी गा करके चमक जाते हैं, लेकिन बाद में वो सही गाते हैं, क्या ऐसा भी अब तो नहीं करेंगे? ये नहीं, ऐसा मेरा माइंड नहीं था, ये गाना जो बोले ना कि ये गाना एक मेरा गाना बन गया था, ऐसा गाना मेरे पास कोई भेजा था लिख के, सिंपल राइटर जो है वही हमको भेजा था गाना कि देखिए गाना अच्छा कैसा है नहीं है, तो ये गाना हमको बहुत अच्छा लगा, और इसका म्यूजिक आर्या शर्मा का है और इसमें जो काम किए हैं, और ये मेरा गाना वेब म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब पे आया हुआ है, हमारे साथ में सिंगर शिवानी सिंह जी है, और जो मेरे भाई गाना नहीं देखे हैं वो जाके वेब म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कीजिए, रंजन यादव शिवानी सिंह, और अपने भाई को प्यार दिला दीजिए। आपके परिवार में कितने मेंबर है? परिवार में चार मेंबर हैं। कौन कौन है? मम्मी है, पापा और हम है, सिस्टर है। मम्मी पापा गाना सुने हैं? हाँ सुने हैं। क्या कहे सुन करके? पापा इससे पहले कोई इंटरव्यू देखे तो डर गए थे कि क्या क्या कर दिया है तुम, क्या गाना देख रहे हैं, पूरा लगातार मीडिया आ रहा है, तो बोले कुछ नहीं है वैसा अभी चलता है। गाना सुनेंगे पाना? जी जी पापा सुने। क्या बात है, देख सकते हैं दोस्तों, गाना ऐसा गाइए कि आपके परिवार के लोग भी सुने, सुन करके आनंद ले। और अपने आप को कहाँ तक आंकते हैं अब यहाँ पे? देखिए आंकने का बात नहीं, बात यहाँ होता है कि हम मेहनत की जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता, और मेरा मेहनत अभी लगातार जारी है, जब तक मेरा गाना पूरा हर जगह नहीं गाते हैं। देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ जाके थोड़ा ऊंचा करो आसमान को, आपकी उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? देखिए अभी हम भी नहीं कर सकते, ताकि मेरा इतना अभी मान लीजिए कोई मान लीजिए 10 साल से गा रहा है और हम कल शुरुआत किए हैं, और मेरा अभी मान लीजिए कि जितना मीडिया वाला है, जितना भी फेमस मीडिया वाला, सभी फोन कर दिए हैं कि आप क्या रंजन जी की गाना बवाल चल रहा है आपका, बिल्कुल संगीत ही नाग लगा दी है। जी जी, तो कोई 10 साल से गा रहा है, हम कल शुरू किए हैं, उसमें भी आपको बोले 2 साल से गा रहे, 2 साल से हम गा नहीं रहे, मतलब शुरुआत किए थे, एक दो गाना गाए थे, और लगातार अभी जो मेरा 2-4 मर्डर मेन गाना यही है, और फर्स्ट गाना मेरा अभी बज रहा है। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? हम संदेश यही देंगे कि जो लोग अपने छोटे भाई अपने बेटे को नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, और अपने सुपौल जिला थ्रबिटिया के बेटे को आगे बढ़ाइए और प्यार दिला दीजिए। तो ये थे मेरे साथ वायरल सिंगर रंजन यादव जी, जिनको आपने सुना, जो कि गाना गा करके रातों रात ट्रेंडिंग में ये आ जाते हैं। फिलहाल इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, और अपना राय कमेंट करें, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।